अल्टीमा बिजनेस पर अपना अकाउंट कैसे वेरीफाई करें। अल्टीमा बिजनेस के हर पार्टनर के लिए वेरिफिकेशन एक महत्वपूर्ण चरण है। वेरिफिकेशन के चरण से गुजरकर आप सिस्टम की वैधता और सुरक्षा बनाए रखते हैं और आपको अधिकतम अवसर प्राप्त होते हैं। इस गाइड में हम यह जानेंगे कि आपके अल्टीमा बिजनेस अकाउंट को कैसे वेरीफाई किया जाए। अपने अल्टीमा बिजनेस अकाउंट में लॉगिन करें और ऊपरी दाएं कोने में आपको अपना वेरिफिकेशन स्टेटस दिखाई देगा। अब ऊपरी दाएं कोने में अकाउंट आइकन पर क्लिक करें और अकाउंट सेटिंग्स पर जाएं। उसके बाद स्मार्ट पास इंटरफेस खुलेगा। यहां बाईं तरफ के मेन्यू से वेरिफिकेशन सेक्शन को सेलेक्ट करें। सभी फील्ड को सावधानी पूर्वक भरें। नाम, उपनाम, लिंग, जन्म तिथि और जन्म स्थान, अपनी नागरिकता और पासपोर्ट विवरण। कृपया ध्यान दें कि सभी फील्ड लैटिन अक्षरों में भरे जाने चाहिए। महत्वपूर्ण बात, फॉर्म भरते समय अल्प विराम और फुल स्टॉप जैसे सिंबल का उपयोग करना मना है। फॉर्म भरने के बाद सेव पर क्लिक करें। यदि आपके किसी डॉक्यूमेंट में वैधता खत्म होने की तारीख नहीं है तो आप संबंधित फील्ड में वर्तमान तारीख से 5 वर्ष बाद की तारीख दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद वेरिफिकेशन फॉर्म भरने के दूसरे भाग की ओर बढ़ें। डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर अपलोड करें। आपको 2 फाइलें अपलोड करनी होगी, अपने पासपोर्ट या आईडी कार्ड के मुख्य पेज की फोटो या स्कैन और पासपोर्ट के मुख्य पेजों को खुला रखते हुए आपकी एक फोटो या सेल्फी। यदि आवेदन पत्र में निर्दिष्ट डेटा का हिस्सा डॉक्यूमेंट के पीछे है तो कृपया डॉक्यूमेंट के दोनों साइड की फोटो अपलोड करें। डॉक्यूमेंट को इस प्रकार पकड़े कि सारी जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद चेक बटन पर क्लिक करें। अब अगले चरण पर चलते हैं, अपना एड्रेस भरना। कृपया सभी लाइनों को ध्यान पूर्वक भरें। याद रखें कि आपको वेरिफिकेशन फॉर्म केवल लैटिन अक्षरों में भरना है। पूरा फॉर्म भरने के बाद बदलावों को सेव करना न भूलें। यदि आपका देश यूरोप में है तो आपको एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपने घर के एड्रेस की पुष्टि भी करनी होगी। आपको अपने पासपोर्ट या आईडी कार्ड के मुख्य पेजों की फोटो या स्कैन अपलोड करना होगा। यदि आपके पास पासपोर्ट या आईडी नहीं है तो किसी अन्य आधिकारिक दस्तावेज या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, यूटिलिटी रसीद, सरकारी पत्र, बीमा दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट और फोन बिल का फोटो या स्कैन अपलोड करना होगा। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तारीख से कम 3 महीने पहले जारी हुआ होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि डॉक्यूमेंट JPEG या PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। यदि आपका देश यूरोप का हिस्सा नहीं है तो आपको अपने एड्रेस की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया ध्यान दें कि हम केवल लैटिन और सिरिलिक वर्णमाला पर आधारित भाषाओं में डॉक्यूमेंट स्वीकार करते हैं। यदि डॉक्यूमेंट किसी भिन्न वर्णमाला पर आधारित भाषा में जारी किया गया है तो नोटरीकृत अनुवाद की आवश्यकता होगी। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा हम आपको सूचित करेंगे। यदि फॉर्म के बारे में हमारा कोई प्रश्न होगा तो हमारी सहायक सेवा आपसे संपर्क करेगी। इसलिए हमारी सलाह है कि आपने जिस ईमेल एड्रेस पर अपना स्मार्ट पास रजिस्टर किया है उसे जांच लें।